Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्राजील का ब्लॉक एलन मस्क के एक्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहां से नहीं देंगे, यानी ब्राजील ने अब एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनएक्सेसिबल कर दिया है वेब और ऐप्स में ब्राज़ील के अंदर। ये बताया जा रहा है कि ये जो मंथ लॉन्ग फ्यूड चल रहा है मस्क और ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, फ्री स्पीच चलते हुए, फार राइट अकाउंट्स और मिस इन्फॉर्मेशन चलते हुए ब्राज़ील ने ट्विटर को, या जो एक्स जिसे हम कैप कहते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद एक शॉकिंग डिस्कवरी, जहां पर आपको बताते हैं कि नासा फाइंड कर रही है इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ के अतराफ में। यहां आपको बताते हैं कि पोलर विंड के जो अतराफ का जो मामला है, एक जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सुपरसोनिक स्पीड में, अगर हम देखें तो, जो कि फिलहाल के लिए एक वीक फिनोमेना है ग्लोबल स्केल को अगर हम देखें, लेकिन पहली बार है 60 साल में कि नासा ने एंड्योरेंस ये किया है कि एक एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोलर विंड को ड्राइव करती है, चार्ज पार्टिकल्स को ड्राइव करती है। बरल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है, बरल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अर्थ के आसपास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि जिस तरह से आप बारिश देख रहे हैं कर्नाटक में रहो या फिर गुलबर्गा में आसपास, ये एक साइक्लोन असना जिसे हम कहते हैं, रेड अलर्ट आ चुका है कर्नाटका को, IMD ने एश्योर किया है फोरकास्ट गुजरात के लिए रेन भी, यानी कि ये जो तूफान है जिसे असना हम कह रहे हैं, ये अरेबियन सी में आ रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, 1964 ऐसा अगर आप देखें तो इस तरह का साइक्लोन आया है इस टाइम पर जो अरेबियन सी में आया है, जिसकी वजह से गुजरात से होते हुए, कच्छ से होते हुए ये पाकिस्तान फिर ओमान की तरफ जाने वाला है, तो उसका असर आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कर्नाटक और बॉर्डर्स के एरिया में पड़ रहा है। तो अंदाज़ा लगाइए कि गुलबर्गा जैसे एरिया में भी बारिश आ रही हो तो फिर पानी के करीब जो जो लोग हैं वहाँ पर क्या क्या चल रहा होगा। अल मिस्र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डीलक्स सितंबर उमरा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीस में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उमरा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। उसके बाद एक अफसोस भरा इंसिडेंट आप देख सकते हैं, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स है जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और वो टिफिन बॉक्स में कहीं ना कहीं बीफ लाए हैं, उस शक पर लोगों ने उन्हें मारा और गंदी गंदी गालियां दी, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ऐसे इंसिडेंट्स को जल्द से जल्द देखें, और जो अब्यूस वहां पर किया गया है, जिनका नाम हाजी अशरफ मुनियर है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो अपने बेटे के घर कल्याण को जा रहे थे, जहां पर उन्हें को पैसेंजर्स इगतपुरी पर उन्हें मारा कि वो बीफ लेकर जा रहे हैं। लोगों ने जो है जो भी वीडियो में आए हैं उन पर केस रजिस्टर किया गया है। उसके बाद आपको सीधे कर्नाटक से खबर लाते हैं, जहां पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार, कई सारे मिनिस्टर्स ने एक नया प्रोटेस्ट शुरू किया है, राजभवन चलो, जहां पर गवर्नर थावरचंद गहलोत के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खरगे, आईटीबीटी मिनिस्टर ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं के सिद्धरमैया की, जिस डिस्क्रिप्शन के पर बात की जा रही है और किस तरह से उन्हें इल्ज़ाम पे लगाया जा रहा है, ये देखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुमार स्वामी केस में, जनार्दन रेड्डी केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं करती, ये मामला जब आता है तो इन्वेस्टिगेशन करती है, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रियंका खरगे ने सवाल उठाया है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरत टॉवर्स, एमएस मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद ये महाराष्ट्र से आप वीडियो देखते हैं, जहां पर एक शख्स को
अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। उसको जब छानबीन कर रहे हैं तो एक पुलिस वाला पीछे वाले जेब में उसके कुछ पॉकेट डाल देता है, वो पॉकेट जाके वो एक ड्रग्स निकलती है। फिर ड्रग्स के मामले में यानी पोजीशन ऑफ ड्रग्स एक बहुत बड़ा क्राइम है, उस क्राइम के बिना पर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज से ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि वो पुलिस वाला ही उसके जेब में जो है वो ड्रग्स डाला है, इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक प्राइवेट मसला है ज़मीन का, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली ये हरासमेंट चल रहा है। पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज नहीं होता था तो ये शख्स जो है काफ़ी परेशानी में रहता था। तो इसलिए कभी भी इस तरह के अगर मामले हों तो सीसीटीवी फुटेज अपने करीब रखें, ताकि कभी भी ज़माना जो है जिस तरह से चल रहा है उसके हिसाब से कैमरे होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस भरी खबर आपको लाने गुलबरगा से, जहां पर ये आपको बता दें कि विंटेज फंक्शन हॉल के करीब बंदूक वाला कांटा के पास आज हुआ एक्सीडेंट। ये डेडली रिंग रोड ने एक और जान ले ली है। जी हाँ, आपको बता दें ये शख्स कोई और नहीं था, एक किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, लेकिन आज वो इस दुनिया से चला गया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगे, वीडियो फुटेज अगर आप देखें, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे अगर वीडियो देखे होंगे तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगे। रोड की खराबी, जो रोड पर जो लाइन्स पड़ चुके हैं, जिस तरह से ऊपर नीचे जो रोड है वही एक सेकंड में झटका लग जाता है। वक्त बुरा आ गया और ये इंसान चला गया हम समझते, लेकिन ये सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक मर्डर है ये, क्योंकि जिस तरीके से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों की डेवलपमेंट जो नहीं हो रहा है, ये आज एक शख्स इस दुनिया से चला गया। उसके बाद आपको बताते हैं इसी मामले को चलते हुए प्रोटेस्ट की गई, कई सारे सोशल वर्कर्स रिंग रोड पर उतरे और ये रीसेंट एक्सीडेंट पर बात की। खासतौर पर SDPI के लीडर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं सईद अली मिलाही, जनाब मोहसिन साहब और अब्दुल रहीम और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। MLA मोहतरमा कनीस फातिमा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे और जितने भी जो RK साहब जो नए जीते हैं, इन्हों तो क्या भी नहीं है, सिर्फ रबर स्टैंप है, सब कुछ प्रियंक खरगे के हाथ में है। प्रियंक खरगे चाहे तो ये रोड 24 घंटे के अंदर रेडी हो सकती है। अब देखो बच्चे के, नौजवान बच्चा 32 साल का बच्चा है, एक बीवी 3 बच्चे हैं। सुबह अगर गया तो शाम में अगर काम करके 500 रुपए लाया तो कल सुबह में उसका सुबह का खाना दोपहर खाना होता, मर गया। ये बारिश आ रहा, मौसम खराब है, ये सब हम नहीं सुनना चाहते। कश्मीर जैसे बर्फ गिरते से जगह रोड का काम हो सकता, हिमाचल की जगह वहाँ पर रोड का काम हो सकता, रिंग रोड पे काम नहीं होता बोले तो शर्म आना ऐसे वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि वेदर में जो है शाम के टाइम में बारिश आ सकती है और इस तरीके से ये बारिश का मामला कंटिन्यू रहेगा। सुबह से ही आपको क्लाउडीनेस और कूल शावर्स मिलेंगे और उसके बाद हैवी बारिश भी हो सकती है। जैसे कि मौसम ने हमने बताया कि जो अरेबियन सी में जो असना करके जो साइक्लोन आ चुका है, जिसकी वजह से ये बारिश आ रही है, बारिश के चांसेस 100% है, तो इसीलिए आप लोग उसके हिसाब से प्लान करिएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold Pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, It doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. कौन क्या कर रहा है, इससे क्या लेना देना है, आपको जो करना है वही मैटर करता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umra Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. Urad dal ke benefits aapko batata hu, gut health improve karta hai, heart healthy rakhta hai, bone strength badhata hai, diabetes management bada acha hai, skin health ke liye bhi bada acha hai. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT, 24/7 Emergency Psychiatry Services. कमेंट सेक्शन में आपको बता दें कि सबसे पहले मोहम्मद ने सलाम लिखा, सालेहा तबुस ने सलाम, सलीम मोइन पटेल, रजब अली, जीशान गफ्फार और मोहम्मद अनवर और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम, एक साथ ही वालेकुम सलाम बोल देता हूँ, थैंक यू सो मच। तूफान और बड़ी बीमारी से बचा लिख रहे मोहम्मद गयासुद्दीन। सब रोड का काम के बारे में सैयद यूनिस अली पूछ रहे हैं, अभी तो वो कब शुरू का वो नहीं मालूम बिल्कुल। मुख्तार ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में की गई थी गुलबर्गा में आवाज़ नहीं उठाई गई, एहतजाज क्या हमारे लीडर्स फौत हो गए हैं, लिख रहे हैं मुख्तार अली। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उस बारे में, लेकिन उस तरह से आवाज़ अभी नहीं उठी है।
न्यूज़ अच्छी लगी है। आज हर किसी को सबक सीखना चाहिए, जो भी काम करना है तो मुश्किल धरना डरना नहीं, डरकर जीतना है काम। लेकिन सुफियान अहमद ताहिर भाई हमारे नबी किसान में उस्ताद के जो बगामियों के खिलाफ उस्ताद नहीं करे करना चाहिए। लेकिन तस्लीम साहब बिल्कुल इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इंडिया में क्या चला वो बताओ, क्या जापान लगा यार, लिख रहे अफरोज भाई। जापान के लोग इंसान हैं क्या, वो इंसान नहीं है कि वहाँ की जान यहाँ की जान में फ़र्क है क्या? ओवरऑल देखिए कि किस तरह से तूफानी आई, देखिए कल जापान में आया था, आज इंडिया में आ गया देखिए तूफान, और गुलबर्गा में तेज़ धड़ा बारिश चल रही है। अब खानी सही बात है, दिल से मेहनत करें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, लिखे हैं RCM ने लिखा। गुलबर्गा के कई इलाके में ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, पतंजलि को पूरा ही बंद करना चाहिए, लिखे हबीब भाई। इस बच्चे ने जो किया है हम सबके लिए एक मैसेज है, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लिखे हैं। नज मुजफ्फर लिख रहे हैं, फिजिक्स वाला नीट पेपर लीक केस के वक्त बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे, जब उसका धमकी मिली खामोश रहने के लिए तो वो गायब ही हो गए। इस साल बच्चों के बहुत बड़े नाइंसाफ़ी हुए, जहाँ पर लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात जो है नहीं करी। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने लिखा है कि बच्चों के 5 मार्क्स माइनस हो गए, इसकी वजह से जिन बच्चों को फ्री सीट मिला था उनको फ्री सीट नहीं मिली है और कई बच्चों को सीट भी नहीं मिल रही है, लिखे हैं। बहुत ही आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है जिसके लिए हमें एक स्पेशल एपिसोड बनाना चाहिए। अब तो खुदस तार भाई आपका ऑफिस कहाँ पर है, कब और कितने बजे आना है? अब तो खुदस लिख रहे हैं आप आ सकते हैं, प्लीज़ कॉल करें हमारे कंपनी के नंबर पर और ज़रूर आ जाएं। प्लीज़ कवर किडनैपिंग केस ऑफ SB कॉलेज बाय 2 लेडीज़ इन गुलबर्गा, लिखें इखराल। इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, ज़रूर मैं कुछ बोलूँगा। मेरा लास्ट कमेंट अगर आप देखेंगे तो रिंग रोड मसले पर ही था, और एक शख्स ने वीडियो में बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे लीडर्स को हम सिर्फ दुकानों के पान डब्बों के होटल्स के ओपनिंग के लिए बुला रहे हैं, कोई इसके लिए नहीं बुला रहे हैं कैन वर्ल्ड। और आखिर में हलीम मसद लिखे हैं, सर वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे, गुड न्यूज़ लिखे हैं। और मैं कैन वर्ल्ड के बात पर आता हूं कि बिल्कुल सही कहा आपने, गोहैश पर ही देख लो आप लेटेस्ट के ओपनिंग में शादियों में वगैरह बड़ापन दिखते हैं। सब रोड के काम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स। Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT.